पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती पर एआईएमआईएम प्रमुख का तंज। बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने साल 2013 में उस वक्त बीजेपी संग अपने करीब 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था, जब बीजेपी ने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना पीएम उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वक्त ने एक बार फिर पलटी मारी और वो बीजेपी खेमे में लौट आए, लेकिन उनका ऐसा करना विरोधियों को खूब चुभ रहा है। दरअसल बिहार में जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सियासी दोस्ती पर चुभने वाला तंज किया है। प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी लैला मजनू जैसी है। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की इस आशिकी की दास्तान जब भी लिखी जाएगी तो इसमें लिखा जाएगा इनकी आशिकी के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पनपी। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है, लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। नीतीश और मोदी की मोहब्बत की दास्तान जब लिखी जाएगी मुझसे मत पूछिए इसमें लैला कौन है और मजनू कौन है, ये आप तय कीजिए। ओवैसी के इतने कहते ही रैली तालियों से गूंजने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ओवैसी ने आगे कहा कि लैला और मजनू सुनो, जब तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा, उस दास्तान ने तुम्हारी दास्तान में नफरत का नाम लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने पीएम मोदी पर इस तरह से हमला बोला हो। इससे पहले भी वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर मुसलमानों की स्थिति को लेकर लगातार निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस बार वो मोदी के साथ नीतीश पर भी हमला करने से नहीं चुके। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमांचल की सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान है। किशनगंज में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए ओवैसी इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ओवैसी के भाषण का जिले के वोटरों पर क्या असर होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।